हेलो एवरीवन, रश्मि का रसोई घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला पराठा। अगर आपको बच्चों के लंच बॉक्स में कुछ देना हो, या फिर आपका सब्जी बनाने का मन ना हो, या फिर आपको छोटी मोटी भूख लगी हो, तो ये स्नैक आपके लिए है। ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें एक चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा और आधा चम्मच नमक। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है इससे, और थोड़ा सा सांभर मसाला। आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे घर में खट्टा नहीं खाते इसलिए मैंने वो स्किप किया है। अब हम आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ मैं एक कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। ऐसे हम एक कप आटे का अच्छा सा सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है हमें इसे। एक चम्मच नमक डाल लेंगे और एक चम्मच तेल। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जो हमने तेल डाला है ये अब रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। आटा गूंथ लेते हैं हम, ये देखिए ऐसा होना चाहिए इसका कंसिस्टेंसी। थोड़ा सा तेल लगा के हम इसको 10 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। अब मुझे 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसकी मोटी लोई बना ली है। हमें इसकी लोई मोटी ही बनानी है, छोटी या पतली नहीं बनानी है, क्योंकि ये पराठा मोटा ही बनता है। अब हम इसको नॉर्मल रोटी के जैसे बेल लेंगे। ये देखिए मैंने बहुत बड़ा बेला है इसको और थोड़ा मोटा भी बेला है। अब हम इस पर ऑयल ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से। तेल इसमें बहुत ज़्यादा लगाया जाता है तभी अच्छा बनता है क्रिस्पी एकदम। अब मैंने पूरा ऑयल लगा लिया है। अब हमने जो मसाला तैयार किया था वो हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से, कोनों से लेके सारी जगह पे हमको उसमें फैलाना है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तिल, तिल को हम स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत फटाफट बन जाता है पराठा। तो देखिए मैंने स्प्रिंकल कर लिया इसको अच्छे से। अब हम इस पे डाल देंगे पुदीना के पत्ते, मैंने इनको बारीक काट लिया था क्योंकि वो थोड़े बड़े रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको बारीक चॉप करके काट लिया है। अब हम डाल देंगे इस पे कसूरी मेथी, उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है पराठे का। ये देखिए ऐसे। अब हम इस पे डाल देंगे धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया रखा है मैंने वो। ये देखिए अब ये पत्ते पत्ते हो गए, तो हम इसको थोड़ा सा हल्का सा बेल लेते हैं, उससे ये जो पत्ते हैं ये चिपक जाएंगे तो फिर ये निकलेंगे नहीं, तो हल्के हाथ से हमें इसको बेलना है। अब ये बेल चुका है, अब हम इसकी लेयर्स बना देते हैं। ये देखिए जैसे लच्छा पराठा बनता है ना, वैसे हम इसकी लेयर्स डाल देंगे। लेकिन अगर आपको इसको सिंपल बनाना है फटाफट, तो जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं ट्रायंगल शेप का, वैसे बना सकते हैं इसको। ये देखिए ऐसे, मैं आपको आज लेयर्स बता रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसको नॉर्मल गोल बना सकते हैं या फिर ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं। अब हम इसका लोई बना लेंगे मोटा सा, इसको ऐसे गोल गोल फोल्ड करके, ये देखिए ऐसे, और इसको हम बीच में ले जाके एकदम पैक कर देंगे। ये देखिए अब मैंने इसको थोड़ा टाइट कर लिया अच्छे से। अब हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे रोलिंग बोर्ड पे। अब इसकी नॉर्मल रोटी एकदम हल्के हाथ से बेलना है हमें, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, एकदम हल्के हाथों से बेलेंगे। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, सब्जी की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब मैंने इसको पूरा बेल लिया है अच्छे से, ये देखिए ये बड़ा ही बेला जाता है। ये तैयार हो गया है हमारा पराठा, अब हम इसको सेकने चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो रोटी सेकते हैं वो वाला तवा ले लिया है, उस पर थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। अब ये गर्म हो गया है, अब हम इस पर पराठा डाल देते हैं।
अब हम जैसे नॉर्मल पराठा सेकते हैं ना, हमें बिल्कुल वैसे ही सेकना है। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेती हूँ। ये देखिए, हमें इसमें तेल ज़्यादा ही लगाना है, तभी एकदम क्रिस्पी और इसकी लेयर्स भी एकदम अच्छे से बाहर आएगी। ये देखिए, अभी सेक चुका है। अब मैं इसको पलट देती हूँ। एकदम यूनिक टाइप का पराठा है, एकदम फटाफट से बन जाता है। ये देखिए, अब ये सिक्के एकदम तैयार हो चुका है। इसको मैं एक बार और पलट देती हूँ थोड़ा और क्रिस्पी करने के लिए। अब ये बन के रेडी हो चुका है एकदम। अब हम इसको चलते हैं सर्व करने की तरफ। आप इसको दही, सॉस, चटनी, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। सब्जी की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू, हैप्पी ईटिंग।